डब्ल्यूटीसी फाइनल में हार की गाज गिरी चेतेश्वर पुजारा पर, वेस्टइंडीज दौरे के लिए टेस्ट स्क्वाड से आउट। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के फाइनल मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। लगातार दो डब्ल्यूटीसी फाइनल गंवाने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय टेस्ट स्क्वाड में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और ऐसा हुआ भी है। चेतेश्वर पुजारा को 16 सदस्यीय टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली है। टेस्ट क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजों ने निराश किया है और यही देखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी ने टेस्ट स्क्वाड में युवा बल्लेबाजों पर भरोसा दिखाया है। ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल को टेस्ट स्क्वाड में जगह मिली है। वहीं अजिंक्य रहाणे को एक बार फिर उपकप्तान बनाया गया। रोहित शर्मा इस सीरीज पर टेस्ट कप्तानी का भार संभालते नजर आएंगे। हालांकि इस दौरे के बाद उनसे टेस्ट कप्तानी वापस ली जा सकती है। पेस अटैक के लिए नवदीप सैनी, जयदेव उनादकट, मुकेश कुमार और मोहम्मद सिराज को स्क्वाड में जगह मिली है, जबकि मोहम्मद शमी इसका हिस्सा नहीं है। शार्दुल ठाकुर पेसर ऑलराउंडर के तौर पर टीम का हिस्सा है, जबकि स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और आर अश्विन टीम में बने हुए हैं। केएस भरत के साथ ईशान किशन विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर स्क्वाड का हिस्सा है। वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारत का टेस्ट स्क्वाड रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, अजिंक्य रहाणे, केएस भरत, ईशान किशन, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, जयदेव उनादकट, नवदीप सैनी। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।